दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अब रमशा भी फैजी को हादिया के खिलाफ भड़काती है और फैजी भी इस कदर हादिया से बदगुमान हो जाएगा कि फैजी हादिया को छोड़ने का फैसला कर लेगा। हादिया बहुत परेशान होती है और वो फैजी से कहती है, आखिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सफदर साहब खुद फैजी और रमशा को एक साथ देख लेता है और घर आकर जब सफदर फैजी से रमशा के बारे में बात करता है तो फैजी अपने बाबा को ये साफ साफ बता देता है कि हाँ मैं रमशा से मिलता हूँ, बल्कि मैंने रमशा से शादी भी कर ली है। रमशा हादिया की तरह बेवफा नहीं है। ये बात सुनकर सफदर फैजी को एक थप्पड़ लगाता है और घर से निकाल देता है। तो दोस्तों ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में।